मैं एक चीज़ एक हिट एंड रन केस यहाँ पे हुआ था 15 तारीख को, उसके बारे में आपसे कुछ डिटेल शेयर करनी थी, उसीलिए आपको यहाँ पे आज तकलीफ दी गई है। 15 नवंबर सुबह 7:30 बजे का वाक़या है कि एक पुलिस चौकी पलहालन को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक एक्सीडेंट पलहालन में पेश आया है। तो उसी समय इमीडिएटली हमारी पार्टी जो है वो स्पॉट पर पहुँचती है। वहाँ पे एक पेडिस्ट्रियन जिनका नाम नज़ीर अहमद सूफ़ी है, पलहालन के रहने वाले हैं, उनको इंजर्ड कंडीशन में पुलिस पार्टी ने वहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। तो अनफॉर्चुनेटली ही कम टू हिज इंजरीज। बाद में जब उनकी वफ़ात हो गई उसके बाद इमीडिएटली पुलिस ने जो है अपनी कार्रवाई स्टार्ट की। वहाँ से स्पॉट से लेके जितने भी सीसीटीवी थे उसमें हमने बारामूला डिस्ट्रिक्ट की तरफ जो रूट था उस पे हमारी पार्टी जो है बिल्कुल कैमरा देखने में लग गई। वहाँ से तकरीबन 50 कैमरे एनालाइज होंगे पलहालन से लेके शीरी तक। तो फाइनली जब हमारी टीम शीरी पहुंच गई तो शीरी के आगे कोई भी गाड़ी के क्लू नहीं मिल रहे थे कि गाड़ी कहाँ गई। तो अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी गाड़ी का नंबर नहीं था, खाली गाड़ी के कुछ मार्क्स या मॉडल जो है वो उसका हमें अंदाज़ा था कि ये गाड़ी है। तो जब शीरी में वहाँ पे उस दिन हम 15th को पहुँचे, फिर उसके बाद हमने फॉलो बैक स्टार्ट किया कि 14th को गाड़ी ओबियसली पहुँची हो गई है। तो 14th को जब हमने कैमरे में एक सीसीटीवी में शीरी में देखा कि कुछ लड़के जो हैं गाड़ी के पीछे लटके हुए थे, तो पता करने पे वहाँ पे ये मालूम हुआ कि वहाँ पे एक टीए की भर्ती थी। कुछ लोगों ने गाड़ी हायर की थी जो इस गाड़ी पर्टिकुलर गाड़ी जो कमिश्नर क्राइम इन्वॉल्व थी इस गाड़ी पे सवार होके वहाँ पे गए थे। तो उसमें फिर हमने बैक साइड पे जितने भी इन रूट कैमरेज हैं उनको हमने जो है एनालाइज करना स्टार्ट किया। जब फिर से हम वापस पलालन से श्रीनगर की तरफ जितने कैमरे लगे हुए हैं वो हमने चेक करना स्टार्ट किए। तो पलालन से जब हम हाजीवीरा की तरफ पहुंचते हैं तो हाजीवीरा तक लास्ट गाड़ी का जो है गाड़ी स्पॉट होती है। तो हाजीवीरा से जब नारबल और आगे शाल टैंक हम श्रीनगर के कैमरे देखते हैं तो वहाँ पे गाड़ी उन कैमरों में नहीं आती। तो जिससे हमें ये यकीन हो जाता है कि गाड़ी ने हाजीवीरा से मे बी राइट टर्न लिया होगा, क्योंकि उस साइड से एक रास्ता है जो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकलता है। तो बीच में हमारी एक चौकी है पीपी कंगमडारा, चौकी का कैमरा जब हमने एनालाइज किया तो उसमें भी गाड़ी वो वहाँ पे स्पॉट होगी, जिससे फिर हमारा जीरोइंग जो है वो बड़ी आसान होगी, जिससे हमें ये लगा कि गाड़ी बड़गाम की है। तो बारामूला की गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन जो हमने आरटीओ साहब से डेटा लिया था उसमें कोई 2500 गाड़ियाँ थी जो हमें फिल्टर कर चुके थे। तो बारामूला के बाद जब हमें पता चला कि अब बारामूला रूल आउट कर लिया, फिर हमने बड़गाम पे वर्क करना स्टार्ट किया। फिर बड़गाम में आई थिंक मोर देन 500 व्हीकल्स का डेटा जो हमारे पास आया था, तो उसमें फिर हमने वहाँ पे जो लोग टीए की भर्ती में भी कुछ लड़के गए थे उन लड़कों के बारे में हमने पूछताछ जब स्टार्ट की। तो करते करते फिर हम एक लड़के तक पहुँचे जिसने ये बताया कि हमने ही गाड़ी एक हायर की थी जिस गाड़ी को हम टीए की भर्ती में लेके यहाँ से गए थे। तो उस लड़के की निशानदेही पे फाइनली हमने बड़गाम जंगम से बुन जंगम इलाके का नाम है जहाँ से गाड़ी जो इन्वॉल्व है कमिश्नर क्राइम में वो गाड़ी वहाँ से सीज की, और अक्यूज भी मौके पे वहाँ से हमने अप्रिहेंड करके उसे अरेस्ट किया गया। तो बाद में जब हमने गाड़ी देखी तो गाड़ी को उसने बड़ा स्मार्टली वाइट पेंट जो है गाड़ी को उसने करवाया था ताकि वो इस नाकों से और इन चीज़ों से बच सके। जी।